हेलो जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकीज पकवान एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ये भी विलेज ब्लॉग ही है। अब तो मैं आ चुकी हूँ मेरे मायके यानी कि खुर्दा। ये वहाँ का ब्लॉग, बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड किया था। ये मॉर्निंग का टाइम था तो दोनों बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मेरा भतीजा कान्हा, देवांशु है उसका नाम, निकनेम कान्हा, और ये तो मेरा बेटा, आप लोग तो जानते होंगे। मैगी खरीदे इसको खिला रही थी लेकिन वो बच्चा अपने आप खा रहा था। ये सुमित से छोटा है फिर भी वो सब अपने आप कर ले रहा है। इसको खिलाना पड़ता है। जो भी चैनल में न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लेना। अभी यहाँ पे आ चुकी हूँ, बारिश के चलते कहीं जा नहीं पा रही हूँ। जाऊँगी तो यहाँ का ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मेरा अपना स्कूल कॉलेज सब कुछ दिखाऊँगी, यहाँ का मंदिर, मार्केट, जो भी है। और ये देखिए क्रैब आया था और मैं यहाँ पे बैठ के उसको सभी साफ़ कर रही थी। मैं ना पहले कभी नहीं किया था, मैंने हैदराबाद में मैंने करी बनाया था लेकिन वो तो मार्केट से ही पूरा बना बनाया सब कुछ साफ़ सुथरा करके देते हैं, लेकिन यहाँ तो खुद से करना पड़ता है तो मुझे तो नहीं आता। तो फिर मैंने ट्राई किया, कर लिया। और फिश भी हुआ था उस दिन और क्रैब भी लाए थे, तो क्योंकि सभी लोगों को क्रैब पसंद नहीं है। बहुत हार्ड रहता है, उसको तोड़ना पड़ता है, नहीं तो नहीं हाथ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बच्चे लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे थे वो क्रैब जब इधर से उधर। मैंने वीडियो शूट किया था लेकिन शायद कैसे डिलीट हो गया है। सब चल रहे थे इधर से उधर, फिर उसे गर्म पानी में डाल देने से वो सारे शांत हो गए। फिर एक एक करके मैं उसको सब साफ कर रही थी और मेरे हस्बैंड इसको सूट कर रहे थे। मेरे लिए न्यू था लेकिन आने दिन था, मैंने एंजॉय किया। कोई कोई बोलते ना मुझे ये काम करना नहीं आता है, वो काम करना नहीं आता, लेकिन ना सबको सब कुछ करना ही होता है एक ना एक दिन। देखिए हाँ, मेरा बेटा इसका वही हाय बोल रहा है। और लड़कियों को तो, लड़के लोग तो आजकल सब कर ले रहे हैं तो लड़कियों को तो सब कुछ करना ही है, सब कुछ सीखना चाहिए। आज के ज़माने में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए ये क्रैब करी बन गया था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता ना इसलिए मैंने नहीं किया पूरा। और ये एक फ़िश का करी है और ये इवनिंग का टाइम हो गया था तो मेरे ससुर जी यहाँ पर बैठे हैं और दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे हैं मिठाई। पप्पू कौन खाओ चू, पप्पू क्या खा रहा है बेटा? ये वहाँ का एक फेमस स्वीट है, छेना मुर्की कहते हैं, लेकिन मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो दूध, मक्खन, घी वो सभी ज़्यादा पसंद नहीं, मैं नहीं खाती हूँ। खा रहा था तुम्हें कान्हा, कौन खाओ चू, उसको पसंद है वो खा रहा है। और ये मेरा भतीजा खाओ चू, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना जरूर। फिर से मिलूंगी और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अपना और